हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 26 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को। पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो को ख़त्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस पोलियो मुक्त दुनिया की ओर वैश्विक प्रयासों को उजागर करने और दुनिया के हर कोने से पोलियो उन्मूलन की लड़ाई में लोगों के अथक योगदान का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनस साल के जन्म के उपलक्ष्य में रखी गई थी, जिन्होंने पोलियोमाइलिटिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। 2020 का थीम है ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। थीम एक बार नोट कर लें आप, ये विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस देश में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य मास्टर कार्ड के उपयोगकर्ताओं को एक प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना है जिन्हें बेस्ट इन क्लास डिजिटल बैंकिंग अनुभव लेने में सक्षम बनाएगा। भारत में लॉन्च के बाद इस साझेदारी का विस्तार मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड तक होगा। साझेदारी मास्टर कार्ड के उपयोगकर्ताओं को तुरंत खाता एक्सेस और सुविधाजनक भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का उद्देश्य यूजर्स बेहतर अनुभव के जरिए अपने साथ जोड़े रखना है या किसी भी डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रीपेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड और खाता आधारित भुगतान पर चालू होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में भारत को कितने साल बाद ILO गवर्निंग बॉडी का चेयरमैनशिप मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35 साल के बाद। भारत को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को 2020 जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। चंद्रा महाराष्ट्र कैडर की 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वह 9 मार्च 2020 में होने वाले गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बात करें शासी निकाय की तो क्या एक शीर्ष कार्यकारी निकाय है जो नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडे बजट पर निर्णय करता है। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसको आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सजनी वर्गसे। ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सजनी वर्गिस को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैर लाभकारी NGO द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है। वर्गिस को स्तन कैंसर से प्रभावित लाखों महिलाओं के जीवन को बचाने के लिए शुरू किए गए उनके व्यक्तिगत मिशन के लिए मेडिकल इनोवेशन श्रेणी के अंतर्गत जापान के योकोहामा में विश्व कांग्रेस में 2020 जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल में एक समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। UK में वे प्लास्टिक सर्जरी में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की फेलो हैं और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की सदस्य हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं डॉक्टर सजनी वर्गिस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा PMGSY कार्यक्रम को लागू करने में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने PMGSY के तहत सड़कों के निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान भी हासिल किया है। मंडी जिले को वर्ष 2021 में PMGSY के तहत सबसे अधिक
लंबी सड़कों के निर्माण के लिए शीर्ष स्थान मिला है। हिमाचल प्रदेश के छः जिलों ने भी शीर्ष 30 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें चंबा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर और सोलन शामिल है। चलिए आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल शिमला, फर्स्ट सीएम यशवंत सिंह परमार जी, फर्स्ट गवर्नर एस चक्रवर्ती, लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12। हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश में ये चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस जाने माने प्लेबैक सिंगर और अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केजे मोहम्मद। प्लेबैक सिंगर, संगीत निर्देशक और अभिनेता केजे मोहम्मद बाबू का निधन, उन्हें जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने लगभग 90 फिल्मों में और विभिन्न नाटकों में गाना गाए हैं। उनकी पहली फिल्म 1964 की कुदुम्बिनी फिल्म थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे केजे मोहम्मद जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस आयोग ने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति प्रणाली यानी कि अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में सुधारों की शुरुआत करने के लिए 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे। समिति के सदस्य नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव होंगे। इस समिति की बात करें तो इस समिति में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर पर बहुविषयक पाठ्यक्रम और अन्य संबंधित मुद्दों के संदर्भ में वर्तमान प्रणाली की जांच करेगी और तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों से निपटेगी। समिति भारत में शहरी नीति शिक्षा प्रणाली की जांच करेगी और भारत में योग्य शहरी निवेशकों की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति का पता लगाएगी। चलिए आपको नीति आयोग के बारे में आते हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग था। इसकी स्थापना 1915 को हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। बात करें CEO हैं अमिताभ कांत, वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला कौन सा सदस्य देश बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 190वां। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है। अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है। हालांकि यह यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। IMF की सदस्यता लेने के बाद अंडोरियन सरकार IMF की नीति सलाह का लाभ उठा सकेगी, क्योंकि देश वर्तमान में COVID-19 से उत्पन्न संकट से निपटने में लगा है। और इसके अलावा यह IMF द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की वार्षिक समीक्षा या हेल्थ चेक करने के साथ साथ तकनीकी सहायता और IMF की वित्तीय सहायता का उपयोग कर सकता है। बात करें अंडोरा की राजधानी है एंडोरा ला वेला। एंडोरा की मतलब करेंसी की बात करें तो यूरो है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने BPL परिवारों के लिए YSR बीमा योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामलों में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए YSR बीमा योजना शुरू की है। सफ़ेद राशन कार्ड वाले सभी परिवार YSR बीमा योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत ग्राम, वार्ड, कर्मी परिवार और उसके मुखिया का नाम दर्ज करने के लिए उनके घर जाएंगे। YSR बीमा की योजना के बारे में बात करें तो दावा करने के 15 दिनों के भीतर दावा राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा गांव और वार्ड सचिवालय के माध्यम से परिवारों को 10,000 रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से राज्य के 1.41 करोड़ BPL परिवार लाभान्वित होंगे। चलिए आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री YS
जगनमोहन रेड्डी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर श्री भूषण हरिचंदन, कैपिटल हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल अमरावती, फर्स्ट सीएम तंगुती प्रकाशम, फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। यहाँ पे फेमस है तिरुपति टेम्पल और जियांट नंदीबुल। हाईकोर्ट है आंध्र प्रदेश में, चीफ जस्टिस हैं जे के महेश्वरी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर यानी कि TKM के साथ एक समझौता किया, जिसके बाद बैंक TKM द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों की पूरी श्रृंखला के लिए प्रमुख फाइनेंसर होगा। भारत के तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने एक बयान में कहा कि समझौते के तहत ग्राहक 90% की उच्च ऑन रोड फंडिंग, 84 महीनों की लंबी आसान किस्त, कोई पूर्व भुगतान या फोरक्लोजर फीस जैसे अनुकूलित समाधानों का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी ओर TKM बढ़ते डीलर प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के साथ डिजिटल फाइनेंस चैंसरी से लाभान्वित होंगे। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है बड़ौदा गुजरात। बात करें इसके अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया जी और इसके MD और CEO हैं संजीव चड्ढा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को। वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानवाधिकारों का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों सहित अपने हस्ताक्षरकर्ताओं के बहुमत द्वारा घोषणा पत्र के अनुसमर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की गई थी और इस संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब आपको अक्टूबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिव्यू कराते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे और वर्ल्ड हाउसिंग डे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और वर्ल्ड साइट डे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे और इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे। 16 अक्टूबर की बात करें तो वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक्स डे और इंटरनेशनल शेफ डे। बात करें 21 अक्टूबर के तो पुलिस मेमोरियल डे और वर्ल्ड आयोडीन डिफिशेंसी डे। 23 अक्टूबर को वर्ल्ड सनोलियोपर डे। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे और यूनाइटेड नेशंस डे और पोलियो डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में सादल हरीरी एक बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेबनान। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने संसदीय चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। हरीरी को 118 में से 65 संसदीय वोट मिले जिससे उन्हें अपनी नई सरकार बनाने का जनादेश मिला है। अक्टूबर 2019 में हरीरी ने 2019-20 के जन विरोध के चलते अपना इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में 9 नवंबर 2009 से 13 जून 2011 तक और फिर 18 दिसंबर 2016 से 21 जनवरी 2020 तक कार्य किया था। इस साल सरकार बनाने के बाद हरीरी तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें एकेडमिक हसन दीब और फिर राजनयिक मुस्तफ़ा अदीब के बाद सरकार बनाने में सफलता मिली है। बात करें लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सादल हरीरी जी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने का घोषणा किया है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का
वेटलैंड मनाता है। यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। आसाम कंजर्वेशन रिजर्व ने रामसर साइट घोषित किए जाने वाले 9 मानदंडों में से 5 को पूरा करने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में पहचान मिली है। इसने प्रजातियों और पारिस्थितिक समुदायों श्रेणी, जल पक्षियों पर और दूसरा मछली के मानदंडों को पूरा किया है। इसलिए रामसर आसन संरक्षण रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है। चलिए अब आपको उत्तराखंड के बारे में बताते हैं। बात करें उत्तराखंड की तो इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य, कैपिटल देहरादून, फर्स्ट सीएम नित्यानंद स्वामी, फर्स्ट गवर्नर SS बरनाल, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। उत्तराखंड का हाईकोर्ट उत्तराखंड में ही है, चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तराखंड। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वनलाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। सैन मैरिनो गणराज्य में भारत की अगली राजदूत डॉक्टर नीला मल्होत्रा होंगी। विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। USA ने COVID-19 के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का उपयोग करने के लिए पूर्ण स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार ने पहली बार जम्मू एंड कश्मीर राज्य के क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। वेगा ने रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तेलंगाना के नरसिम्हा रेड्डी जो कि पहले गृह मंत्री थे, उनका हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया। पार्ले एग्रो कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की दूसरी रीजनल रॉड रक रिपोजिटरी न्यू दिल्ली में स्थापित की गई है। बात करें G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जितेंद्र सिंह जी ने किया। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। द टॉप कॉपी पैलेस कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टर्की। द स्टॉकहोम पैलेस कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी इंडिया। क्वेश्चन नंबर टू था, जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जूलिया जॉर्ज था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर रिटायर्ड का हाल ही में निधन हो गया? क्वेश्चन नंबर टू है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PKS मास्टर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।